हेलो एवरीवन आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ब्रांच अकाउंट का इस क्वेश्चन में है कंबाइंड बैलेंस शीट बनानी है एंड शो द ब्रांच करंट अकाउंट एज इट वुड अपेयर इन द हेड ऑफिस बुक्स तो ब्रांच करंट अकाउंट हम उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हम ब्रांच अकाउंट बनाते थे एज ए पर्सनल अकाउंट तो ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले हम टू बैलेंस बी डी शो करते थे एसेट्स का जो बैलेंस होता था उस बैलेंस को शो करते थे टू गुड्स अप्लाइड शो करते थे अगर एच को गुड्स वापस किया गया तो बाई गुड्स रिटर्न करके शो किया जाता था एच जो ब्रांच को पेमेंट करता था फॉर द एक्सपेंसेस उसको टू कैश करके शो किया जाता है और ब्रांच गुड्स सोल्ड होने के बाद जो कैश एच को रिमिट करता है तो इन द बुक ऑफ एच ब्रांच अकाउंट में बाई कैश एंट्री पास की जाती थी और जो एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस होता था वो भी क्रेडिट साइड पे शो किया जाता था इस सारे टॉपिक पे डिस्कशन पहले हो चुका है तो इसके पहले के अगर वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले इसको देख लीजिए जिससे ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए तो इस क्वेश्चन में हमें कंबाइंड बैलेंस शीट बनानी है एंड ब्रांच करेंट अकाउंट बनाना है तो पहले हम लोग ब्रांच करेंट अकाउंट बनाएंगे और इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं ब्रांच करंट अकाउंट का बैलेंस है ओपनिंग सेवन लैख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड इसको हमें डेबिट साइड पे शो करना होगा फर्दर जो गुड्स सेंड किया गया था वो डेबिट साइड पे आएगा जो कैश रिसीव्ड हुआ है ब्रांच से वो क्रेडिट साइड पे शो होगा और जो ब्रांच के पास क्लोजिंग एसेट्स थी वो भी बाई साइड पर मीन्स क्रेडिट साइड पर शो होगी तो चलिए पहले हम लोग ब्रांच करंट अकाउंट बना देते हैं टू बैलेंस भी री सेवन लाख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड गुड्स सेंड टू ब्रांच गिवेंट था सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड इसको शो कर दिया और कुछ गुड्स आपका इन ट्रांजिट भी है कैश इन ट्रांजिट है इसकी इंट्रीज भी पास करनी है हम लोग को तो सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन सेवन लैख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड टू गुड्स एंड टू ब्रांच सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड गुड्स इन ट्रांजिट गिवेंट था ट्वेंटी थाउजेंड उसको क्रेडिट साइड पे शो कर दिया बाय बैंक ये जो रेमिटेंस रिसीव हुआ है स्किन ट्री पास हो गई बाय बैंक के नेम से और जो ब्रांच के पास एसेट्स थी एसेट्स की वैल्यू को हमें क्रेडिट साइड पर शो करना होगा क्योंकि इस पर एच की ओनरशिप होती है तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर किया जाता है जैसे इसमें गिवेन है आपका एसेट्स में फ्री होल्ड प्रेमिस गिवेन है फर्नीचर गिवेन है स्टॉक गिवेन है डेटर्स गिवेन है एंड कैश एट बैंक गिवेन है और ये पॉइंट्स और भी गिवेन है आपका लास्ट में ब्रांच रिमिटेड कैश रुपीज़ थर्टी थाउजेंड टू एच ओ वेयर इट वॉज रिसीव्ड ऑन सेकेंड अप्रैल टू थाउजेंड सिक्सटीन तो जिस तरह से गुड्स इन ट्रांजिट को हम क्रेडिट साइड पे शो करते हैं उसी तरह से हम रेमिटेंस इन ट्रांजिट को भी क्रेडिट साइड पे शो करेंगे तो सबसे पहले गुड्स इन ट्रांजिट आ गया बाय बैंक ये वो बैलेंस था जो एच ओ को रिसीव किया था एच ओ ने रिसीव किया था और ब्रांच ने दिया था मीन्स इन द बुक ऑफ एच ओ जो हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो उसको एज ए पर्सन रीट करते हैं जिस तरह से कोई पर्सन से हमें अमाउंट रिसीव होती है तो हम एंट्री पास करते हैं बैंक ऑन डेयर टू पर्टिकुलर पर्सन नेम उसी तरह से एच ओ भी जब ब्रांच से अमाउंट रिसीव करता है तो एंट्री पास करता है बैंक ऑन डेयर टू ब्रांच अकाउंट तो यहाँ पर हम एच ओ की बुक में ही ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं तो इसकी पोस्टिंग हो गई पे बैंक अब जो एसेट्स थी उसको हम बाई साइड पे क्रेडिट साइड पे शिफ्ट कर देंगे बाई बिजनेस प्रमिसेस बाय ब्रांच फर्नीचर बाय ब्रांच स्टॉक बाय ब्रांच डिटर्स अकाउंट और जो बैंक अकाउंट का बैलेंस दिया था इन ब्रांच अकाउंट उसको शो कर दिया सिक्सटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड और रेमिटेंस इन ब्रांच ट्रांसिट को शो कर दिया थर्टी थाउजेंड एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट प्रोफिट लॉस अकाउंट विच इज द बैलेंसिंग अमाउंट देन इन दिस क्वेश्चन प्रॉफिट इज द थ्री लैख फोर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड ये आपका प्रॉफिट हो गया इसके बाद हम लोग आते हैं कंबाइंड बैलेंस शीट बनानी है कंबाइंड बैलेंस शीट के लिए पहले हम लाइब्रिटी साइड कंप्लीट कर लेते हैं लाइब्रिटी साइड में शेयर कैपिटल एच की गिवन है ट्वेंटी लाख रुपीस वो शो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है टू लैख सेवेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और इसमें एच का प्रॉफिट गिवन है ड्यूरिंग द ईयर एट लैख एट लैख फोर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और जो प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ब्रांच का उस ब्रांच का प्रॉफिट को भी शो कर दें और ब्रांच का प्रॉफिट वैसे गिवन भी यहाँ पे थ्री लाख फोर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड और अगर हम लोग ने जो ब्रांच अकाउंट बनाया था उससे भी प्रॉफिट यही कैलकुलेट होकर आएगा थ्री लाख फोर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड तो ये आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बैलेंस में टू लाख सेवेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एच ओ का प्रॉफिट प्लस किया गया ब्रांच का प्रॉफिट प्लस किया गया और आउटर कॉलम में वैल्यू मेज फाइनल अमाउंट आ गई फोर्टीन लैख सिक्सटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज इसके बाद क्रेटर्स आपका लाइबिलिटी का पार्ट होता है क्रेटर्स को हम लोग लाइबिलिटी में शो कर देंगे फ्री होल्ड प्रेमिस एट लाख प्लस फोर लैख एसेट्स में शो कर दिया जाएगा फर्नीचर एट्टी थाउजेंड प्लस फोर्टी थाउजेंड वन ट्वेंटी थाउजेंड एसेट्स में शो हो जाएगी स्टॉक नाइन लाख प्लस वन लाख एट्टी थाउजेंड टेन लैख एट्टी थाउजेंड बैलेंस शीट में शो हो जाएगा डेटर्स की वैल्यू शो हो चुकी है उसके बाद कैश एट बैंक सेवन लैख थर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड प्लस सिक्सटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसको भी प्लस करके कैश एट बैंक के नेम से शो कर दिया जाएगा सेवन लैख सेवेंटी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड गुड्स इन ट्रांजिट को स्टॉक में भी प्लस किया जा सकता है या सेपरेटली भी आप शो कर सकते हो और रेमिटेंस इन ट्रांजिट हो गया थर्टी थाउजेंड तो इस तरह से हमें बैलेंस शीट बनानी होगी कंबाइंड मीस यहाँ पे एच ओ की भी एसेट्स गिवेन है और ब्रांच की भी एसेट्स गिवेन है और हमें कंबाइंडली वैल्यू कंबाइंड बैलेंस शीट बनानी थी तो दोनों एसेट्स को हम टोटल करके शो कर देंगे तो इसमें आपको करना है एक कंबाइंड बैलेंस शीट बनानी थी और ब्रांच अकाउंट बनाना था ब्रांच अकाउंट उसी तरह से बनेगा जिस तरह से हम लोग पहले बनाते हैं तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा ओके बाई है नाइस डे